कुंदन कुमार, आपको क्लास 10th की फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है, आज मैं इसकी चर्चा करूँगा, जो एक इसका समरी टाइप का होगा, जिसमें कि आप सारे बच्चे लगभग जानते भी हैं कि ये भी चैप्टर अपने आप में कम इम्पोर्टेंट नहीं है इस क्लास 10th के, खास करके इस फर्स्ट टर्म के लिए। तो आज मैं इसी की चर्चा करूँगा, जो कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आज के दिनों में भी यह संसार की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली डायरी के रूप में ये बन गई थी। ऐसा माना जाता है जो इसमें जो एनी फ्रैंक, जिनका जन्म की मैं बातें करूँ, जिनका जन्म 12 जून 1929 और इनकी डेथ की मैं बातें करूँ फरवरी या मार्च 1945 के आसपास इनका डेथ की चर्चा करी जाती है। लेकिन यह एक जर्मन लड़की थी, वह जन्म से ही यहूदी परिवार से बिलोंग करने वाली, और उसने इसे तब लिखा जब वो अपने परिवार के साथ और चार दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, जब जिस समय दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर अधिकार कर लिया था। उसका परिवार जर्मनी में नाजियों की सत्ता आने पर एम्स्टर्डम चले गए थे और वहाँ जाके वो फंस गए थे, जहाँ नीदरलैंड्स पर नाजियों ने अधिकार कर लिया। जब यहूदियों पर नाजियों के बड़े अत्याचार बढ़ने लगे तो परिवार उनका जुलाई 1942 में उसके पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में छिप गया। दो साल छिपे रहने के बाद ग्रुप को पकड़वा दिया गया और कंसंट्रेशन कैंप की व्यवस्था में ले जाया गया, जहां अन्य की टाइफाइड से मौत हो गई। उसका पिता ऑटो, जो केवल अकेला बचा था, युद्ध के खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटा और पाया कि उसकी डायरी अर्थात एनी फ्रैंक की डायरी बची हुई थी। यह सोचकर कि यह मात्र एक रिकॉर्ड था, उसने इसे ही द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में पब्लिश करवा दिया। यह डायरी एनी फ्रैंक का उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई एक भेंट थी और उसमें उसके जीवन की 12 जून 1942 से लेकर उसकी आखिरी अगस्त एंड 1 अगस्त 1944 तक की घटनाएँ अंकित थी। अंत में इसका वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया और संसार में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली किताब के रूप में डायरी बन गई। डायरी पर इस पर तो कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी है, नाटकीय निर्माण भी कराया जा चुका है, इवन कि वो एक परिपक्व एवं इंसाइटफुल वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में के जीवन में होने वाली जितनी भी सारी घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं करीब से निरीक्षण करती है। और ये सबसे अधिक जाने वाली फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित अब शिकार बन चुकी है। आज मैं इसी की चर्चा के रूप में आज और इसकी बातें मैं करूँगा। इसकी डायरी की शुरुआत कहता है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। सोचने वाली बात है, डायरी से आपको सारे बच्चे को मैं कहता भी हूँ और आपको डायरी लिखना भी चाहिए। डायरी की जिम्मे जैसी बातें को, डायरी क्या है? डायरी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड डेरियम से आया है, जिसका मतलब भी होता है डेली अलावेंस, अर्थात इसमें डेली लिखी जाने वाली ऐसी जो ढेर आपके जीन में 24 घंटों के बीच क्या क्या आपने करा है उसके बारे में लिखना और इससे एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस भी हासिल करना। और डायरी की मैं बातें करूँ तो उसकी डी से डियर, आई से आई, ए से ऑलवेज, आर से रिमेंबर और वाई से यू, अर्थात कि ये मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ, अर्थात इस डायरी का सेंस इसी रूप से लगाया जा सकता है। सेम ऐसे एनी फ्रैंक भी कहती है कि जैसे कि डायरी लिखना वास्तव में एक स्ट्रेंज अनुभव है, न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, परंतु क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में न तो स्वयं न तथा कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की उस स्कूल की लड़की के विचारों में कोई रुचि रखेगा। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं, मैं लिखना चाहती हूँ तथा मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ें बाहर निकालने की है। और कागज़ में से ऐसा माना जाता है, और ऐसा सही बात है भी, कि कागज़ में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता है। और मैंने इसी चीज़ों को सोचता हुआ इसी रूपों से मैंने क्या किया कि इसमें सारी बातें मैंने इसमें लिख डाली, जिसे इसके पास इतनी सहनशीलता होती है कि ना ये किसी को कह सकता न किसी को बता सकता है। क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं,
पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता, इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि एजुकेशन से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता। और अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी, मेरा कोई मित्र नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा, कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है तथा मैं हूँ भी नहीं, अर्थात इसकी मौत भी हो जाती। मेरे प्रिय माता पिता हैं, 16 वर्षीय बहन है तथा लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। मेरा परिवार, मेरे प्रिय प्रिय चाचियाँ, एक अच्छा घर, ऊपर से तो ऐसा नहीं लगता कि सब मेरे पास सभी कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। और जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में ही सोचा करती हूँ। और तथा ही मुझे ये लगे कि मैं कहीं ज़्यादा व्यस्त भी नहीं हूँ, और मुझे लेकिन फिर भी मुझे परफेक्ट कोई दोस्त नहीं मिला। और हो सकता है कि मेरा दोस्त है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते, फिर भी ऐसी ही स्थिति है तथा दुर्भाग्यवश वह बदल नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की। और कहा भी जाता है कि अपनी बातें किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को बताना भी है तो अपने डायरी में बताइए, ताकि वो डायरी कभी आपकी बातों को उगल नहीं सकता। अपनी कल्पना में इस चीज प्रतीक्षित मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि लोग कहते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने। और मैं इस मित्र को किस नामों से पुकारूँगी? किट्टी के नाम से इसको पुकारूँगी। और एक किट्टी इसका नाम ये दी भी, और एक इसी में अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करती है। मेरे पिता ने, जिन्हें मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया है, मेरी माता से वो तब विवाह नहीं किया जबकि उनकी आयु 36 वर्ष की तथा माता की आयु भी 25 वर्ष की नहीं हो गई। मेरी बहन मार्गट का जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। मेरी माता एडिथ हैलेंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई, जबकि मार्गट था मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आँचल चली गई। मार्गट दिसंबर में हॉलैंड चली गई तथा मैं उसके पीछे पीछे परिवारी में उस समय चली गई जबकि मुझे मार्गट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज़ पर रख दिया गया। अब यही और मेरी बेटी की पढ़ाई मंटेसरी नर्सरी स्कूल में आरंभ हुई। वहाँ वह 6 वर्ष की आयु तक रही जिस समय वह प्रथम कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ की। 6ठी कक्षा में उनके अध्यापिका मुख्याध्यापिका श्रीमती क्यूप्रस थी। वर्ष के अंत में जब उसने हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही, उस समय दोनों अर्थात टीचर और स्टूडेंट दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अब ये समय आता है 1941 की। 1941 में ग्रीष्म ऋतु का समय था। दादी माँ उनकी बीमार हुई, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए इनका जन्मदिन भी नहीं मनाया गया। दादी माँ की मौत 1942 में हो गई। कोई नहीं जानता कि उनके बारे में कितनी सोचती हूँ, ये खुद अन्य फ्रैंक कहती, अतः अब भी मैं उन्हें प्रेम करती हूँ। 1942 में वह जन्मदिवस उनके दूसरे की क्षतिपूर्ति के आशय से मनाया गया तथा दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की भी मोमबत्ती जलाई गई। अब सब कुछ बिल्कुल सब अच्छा था, लेकिन आज की तारीख 20 जून 1942 पर हम आते हैं अथा अपनी डायरी के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण प्रतीत करते हैं। अब डायरी के बारे में पहले से आपको पता है कि डायरी का नाम क्या दिया जाता है, किट्टी। अब ये पूरी कक्षा बिल्कुल कांप रही थी। आज स्वाभाविक सी बात है कि आज ये सारे अध्यापक यह निर्णय लेने वाले थे कि कौन ककली अगली कक्षा में जाएगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा। आधी कक्षा शर्त लगा रही है कि वह जीएन तथा मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन तथा जैक्स पर मूर्खता से हंसती है जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया है। प्रातः से रात तक लेकर यही चलता, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, नहीं मतलब ऐसे भी अब जानते हैं सारे बच्चे कि रिजल्ट के दिनों तो सारे बच्चे की एक्सपेक्टेशन लगी होती है, सारे बच्चे अंदर से डरे डरे से रहते हैं। और यहाँ तक कि जीएन की भी नज़रों में मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं करता। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो इतने अधिक विद्यार्थी भी मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए, या तो अध्यापक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, बोले तो ये अनप्रेडिक्टेबल प्राणी है। नहीं, और ये सारी बातें उसने नाते बनाते अब यहाँ बातें आती हैं। और लास्ट में शनिवार 20 जून 1942 को ये डायरी लिखना शुरू करती है। नहीं, और उसी दिन की ये डायरी है जो सैटरडे का दिन था। अब मैंने अपने अध्यापकों के साथ
अच्छी बनती थी। किनका? एनी फ्रैंक का। वे संख्या में 9 हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। श्रीमान केसिंग जो पुराने विचारों वाले व्यक्ति में अर्थात वो टीचर मैथमेटिक्स का मुझसे बहुत तो दिनों से नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। कई चेतावनियों के पश्चात मुझे घर से परसे करने के लिए फालतू कार्य दिया गया, जैसे चैटर बॉक्स पर निबंध लाना, एक चैटर बॉक्स पर आप क्या लिख सकते हैं। मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूँगी और मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया। कॉपी के बस्ते में रखा था, चुप रहने का प्रयत्न किया, लेकिन उस शाम में घर का दूसरा कार्य समाप्त करने के पश्चात उस निबंध के बारे में मेरी उसकी नज़र पड़ी कि मुझे भी वो एक होमवर्क दिए हैं। अचानक मेरे विचार मन में एक विचार आया कि मैंने श्री किसिंग के द्वारा कहे गए कुछ इनकी बातें थी चैटर बॉक्स पर लिखना, और वो उस पर मैंने लिखने की कोशिश की और उसमें मैंने अपना एक तर्क दिया कि बोलना तो विद्यार्थी का एक विशेष गुण है तथा इससे मैं यथाशक्ति मैं अपनी कोशिश करूं कि इस पर मैं कंट्रोल करूं, परंतु लेकिन मैं इस आदत को पूर्णतः कभी नहीं छोड़ पाऊंगी क्योंकि यदि अधिक नहीं तो मेरी माँ भी इतनी ही बोलती थी तथा आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ऐसे गुण होते हैं जो कि आपके अपने पूर्वजों या अपने जीन से आपको मिलते चले जाते हैं। श्रीमान किसिंग इस प्रकार की बातों पर सुन के हंसे और जब मैं अगले पार्ट में फिर में बोलने लगी तो उन्होंने पुनः फिर एक और निबंध मुझे लिखने के लिए दे दिया और इस बार का निबंध था वो क्या है कि एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब एक ऐसा बातों जिसे सुधारा ना जा सके मैंने यह भी लिख कर दे दिया। श्रीमान किसिंग ने अगले 2 पूरे पाठों तक कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर तीसरे पाठ के दौरान काफ़ी हो चुका था। कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्वैक 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 मिस्टर चैटर बॉक्स कहा कि इस पर निबंध पुनः फिर लिख के लाओ, और इस पर ये बड़ी अच्छी तरीकों से ये लिख डाली। मुझे यह भी कक्षा में शोर भी हुआ, मुझे भी हंसी आ गई और उसमें चैटर बॉक्स पर पुनः फिर निबंध लिखने का मेरा कौशल अब मेरा समाप्त हो चुका था। लेकिन अब समय आ गया था किसी और विषय पर लिखने का, जो विषय था क्या चैटर बॉक्स, जो खास करके एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स था जिसे सुधारा न जा सके। मेरी सहेली साने ने इस निबंध को आरंभ से अंत तक पद में लिखने में सहायता भी की और मैं खुशी से उछल पड़ा। श्रीमान केसिंग अब इस प्रकार के टॉपिक देने से के साथ साथ मेरे साथ मजाक करने का भी कोशिश कर रहे थे, परंतु यह मैंने सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ ही हो और लास्ट में ऐसा ही उन्होंने करी भी कि लास्ट में ये एन जो कि अभी आप देख रहे हैं एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स को उन्होंने पोयम के माध्यम से उसको बताने की कोशिश करी। मैंने अपनी कविता समाप्त भी की तथा ये सुंदर थी। यह एक किस्से पर आधारित था, एक माता बत्तख थी, पिता हंस, उनके 3 छोटे बच्चे के बारे में थे जिनके पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बोलते थे। श्रीमान किसिंग ने मजाक तुरंत पकड़ लिया, उसने अपने टिप्पणी जोड़ कर उस कविता को कक्षा में सुनाया भी और दूसरी कक्षाओं को भी सुनाया। तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है, मुझे कोई फालतू घर का कार्य नहीं भी दिया गया। इसके विपरीत श्रीमान किसिंग आजकल सदा मेरे बारे में अक्सर मजाक कर लिया करते हैं। अर्थात अभी भी आपको इससे यही शिक्षा मिलती है इस डायरी से कि ठीक है, अच्छी बात है, आप कुछ भी करें, लेकिन याद रहे कि एक्स्ट्रा कोई काम भी ना करें, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो आपको ये सारी गलतियां माफ़ कर दी जा सकती है। और इसमें दोनों के बारे में बताया गया है कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।